हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो टॉप 100 सीरीज चल रही है और आज इसका थर्ड पार्ट है। ठीक है, सो आज के पार्ट में हमारे 25 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारे ये मॉडर्न इंडिया के भी 100 टॉप 100 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्लियर। सो पहला क्वेश्चन लगाते हैं सर। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जी, क्या है? महात्मा गांधी की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या थी? दिस इज द फोर्स। देखिए, इस पिक्चर को थोड़ी सी मैं आपको बड़ी करके दिखवाता हूँ कि आपको सारी पता लग जाएगी इसके वर्डिंग्स क्या हैं। थोड़ी सी बड़ी करिए फोटो इसको। इसमें देखिए क्या है, आपको इसमें वर्ड देखिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, इनमें क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी की, उनके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है? नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। कि हाँ, अगर तुम एक बहुत अच्छे बहादुर बंदे हो तो तुम, बात तो उसके ऊपर डिपेंड करेगी तुम कितने जो है अपनी कितनी अहिंसा तुम कर पाते हो, अहिंसा। तो ये है आपकी नॉन वायलेंस ऑफ द ब्रेव। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका क्या बन गया जी, राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, नॉन वायलेंस। और आपको पता होना चाहिए नॉन वायलेंस जो है इनका एक हथियार था, अहिंसा इसका इनका एक हथियार था कि जिससे ये जो है लोगों के साथ जो कहते थे कि हाँ प्यार से रो, लड़ना नहीं है। क्लियर, सत्याग्रह इनका एक हथियार था और जो है जातिवाद के अगेंस्ट इनका लड़ने का एक हथियार था, ये सब पता होना चाहिए। सर्वोदया में विश्वास रखते थे। सर्वोदया का मतलब ये होता है कि हाँ, जब आपका सबका उदय, ठीक है, सर्व मतलब सबका, उदय मतलब राइज, यानी कि राइजिंग ऑफ ऑल, जो राइजिंग ऑफ ऑल, और सर्वोदय मतलब सबका उदय करना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन गया जी, आपका राइट आंसर बन गया। सेकेंड क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से कौन से ऐसी जगह है बंगाल में, सॉरी, एट विच प्लेस इन द बंगाल वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी गेव परमिशन टू ट्रेड एंड बिल्ड ए फैक्ट्री बाय द मुगल्स इन 1651। किस बंगाल के कौन से एरिया में जो है इनसे परमिशन मिली थी कि यहाँ पे आप अपनी कंपनी खोल लीजिए और ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए। तो ऐसी कौन सी जगह है ये जो है, ये है जी आपका सेकेंड ऑप्शन, जाने के कासिम बाजार। कासिम बाजार इज द राइट ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कासिम बाजार इन द बंगाल। क्लियर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि 1651 में जब इन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया था तो हमारे देश में मुगलों का एम्पायर रूल चल रहा था, तो मुगल किंग कौन था उस टाइम पे, मुगल किंग के बारे में बताएंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के कि कौन से उस टाइम पे मुगल किंग थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस पर्सन को फ्रंटियर गांधी के नाम से बोला जाता है। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी, इनके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर रखा है। गांधी की जी के साथ इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं, देख सकते हो आप, और ये जो पर्सन हैं ये हैं आपके खान अब्दुल गफार खान। क्योंकि ये भी जो है गांधी जी के रास्ते के ऊपर चलते थे, जैसे गांधी जी लीडर थे ना, वही सेम पर्सन ये लीडर थे। और जब आपके ये जितने भी ये आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पंजाब के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के अंदर जो है आपका ये सारा पार्ट इनके द्वारा लीड होता था, जैसे सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, ऐसी ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खान अब्दुल गफार खान ने भी स्टार्ट करी थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब के साइड के ऊपर। क्लियर, सो ये इन्होंने स्टार्ट करी थी। और ये किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे, खुदाई खिदमतगार, ये भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार से बिलोंग करते थे और लाल कलर की शर्ट पहनते थे ये, रेड शर्ट्स इनको बोला जाता था, इनकी ऑर्गेनाइजेशन रेड शर्ट्स को के नाम से भी जानी जाती है। सो इसका जो ऑप्शन बन गया जी आपका, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु जो हैं इनमें से कौन है। देखिए ऑप्शन देखिए, इनमें से जो ऑप्शन है ना कोई भी नहीं है, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन डाला हुआ है। रीज़न ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ यार, थोड़ा सा दिमाग खुलना भी चाहिए। इनके जो राजनीतिक गुरु थे ना बाल गंगाधर तिलक के, वो कौन थे, वो थे रनाडे जी। क्लियर, इनकी पिक्चर मैंने लगा रखी है और इनका पूरा नाम क्या था, महावीर गोविंद रनाडे। ठीक है, इट्स नॉट महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है,
ये हैं इनके पॉलिटिकल गुरु महात्मा, ये आपके बाल गंगाधर तिलक के, क्लियर। अब मैं आपको बता दूं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है आपका इसमें पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक वही पर्सन है जिन्होंने स्वराज वर्ड के लिए बहुत सब बातें करी हैं, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोलते हैं, असंतोष का जनक बोलते हैं, वैलेंटाइन शिरोल ने बोला था, बाल गंगाधर तिलक वही पर्सन है जो मांडले जेल में भी गए थे, आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाल गंगाधर तिलक की डेथ उस दिन हुई थी जिस दिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और महादेव रनाडे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ये महादेव रनाडे की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, ठीक है। और इसके बाद लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद, आपको पता होना चाहिए नरेंद्र नाथ दत्ता इनका ओरिजिनल नेम था, क्लियर। और ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, रामकृष्णा मिशन इन्होंने चलाया था क्योंकि इनके जो गुरु थे रामकृष्णा परमहंस थे, क्लियर, ये पता होना चाहिए। रामकृष्णा परमहंस का ओरिजिनल नेम हमने बहुत बार डिस्कस किया है, गदोधर चट्टोपाध्याय इनका ओरिजिनल नेम था, गदोधर चट्टोपाध्याय रामकृष्णा परमहंस का ओरिजिनल नेम था, क्लियर। राजा राम मोहन राय, मैंने आपको बताया था ये इनको क्या बोलते हैं, ये इनको बोलते हैं आपके मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला हुआ था और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बुक लिखी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ये बात बोली गई थी, क्लियर। दादाभाई नरोजी के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है, दादाभाई नरोजी वही पर्सन है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्होंने पहली बार INC में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्वराज वर्ड की मांग करी थी 1906 में कैलकटा में, 1906 कैलकटा, क्लियर। ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए आपको जो मैंने बोले हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, Who among the following is known as the father of Indian Renaissance? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, इनको कहते हैं, ये कौन है जी? Renaissance word का मतलब क्या होता है? Rebirth. Renaissance word का मतलब rebirth, मतलब पुनर्जन्म। ये पुनर्जन्म का मतलब पता है क्या? इंडिया दोबारा से उदय करेगा। ये पर्सन वो है जी आपके राजा राम मोहन राय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने अभी इनके बारे में बताया था, ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते हैं और उसके बाद इंग्लिश एजुकेशन के लिए इन्होंने प्रमोशन करी थी, सती सिस्टम को खत्म करवाने के लिए हेल्प करी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बन गया जी आपका? राइट आंसर, क्लियर। रविंद्रनाथ टैगोर जिनको गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव किसने बोला था इनको? महात्मा गांधी जी ने। और इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा किसको बोला था? महात्मा गांधी जी को बोला था, मोहनदास करमचंद गांधी जी को बोला था। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से बिलोंग करते हैं, ये वही पर्सन हैं जिन्होंने स्वराज वर्ड का जो है उत्पादन किया था, मतलब कह सकते हो कि उनके द्वारा क्वाइन किया हुआ वर्ड, पहला वर्ड उन्होंने यूज किया था ये, ठीक है, उनका वर्ड है स्वराज। और वेदों की ओर लोटो, ये भी किसने बोला था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, क्लियर। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द आइडिया ऑफ फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? फेडरेशन का मतलब होता है संघ, संघवाद का ढांचा। ये पहली बार कब बात हुई थी संघवाद का ढांचा? संघवाद का ढांचा बात हुई थी जी आपके फोर्थ ऑप्शन, जिसमें आपका है नेहरू रिपोर्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी ये रिपोर्ट, क्लियर। और नेहरू रिपोर्ट में नेहरू कौन है? मोतीलाल नेहरू। ये मोतीलाल नेहरू किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते थे? स्वराज पार्टी से, क्लियर। और ये स्वराज पार्टी किसकी थी? स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास, ये पता होना चाहिए, क्लियर। और दूसरे पर्सन कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी, क्लियर। ये सारे ऑप्शन आपको पता होने चाहिए और प्लस जो है इनके बारे में और भी पता होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, जो फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर तो फोर बन गया। 1892 में पहली बार बजट के ऊपर जो है आपको दिखाया जाने लगा था, बजट के ऊपर बात आई थी। और उसके बाद लिखा हुआ है मोरले मिंटो रिफॉर्म, सेकेंड ऑप्शन मोरले मिंटो। मोरले कौन है यहाँ पे? ये है गवर्नर जनरल, ये है सेक्रेटरी। और उसके बाद मिंटो है आपके गवर्नर जनरल वाइसराय, और ये वो पर्सन है मोरले मिंटो रिफॉर्म में। मोरले मिंटो ये वही पर्सन है जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग आपके जो है चुनाव के लिए बात करी, हिंदू मुसलमान की बात करी थी, अलग अलग चुनाव की बात हुई थी, क्लियर। और उसके बाद लिखा हुआ है थर्ड ऑप्शन में मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसमें ये भी, ये कौन है? सेक्रेटरी हैं, ये कौन है? वाइसराय हैं, क्लियर। इन्होंने क्या बात करी थी यहाँ पे? डायरकी, द्वय शासन की बात करी थी। और कहाँ पे? डायरकी इन द प्रोविंसेस,
दे आर की इन द प्रोविंसेस, क्लियर, इन्होंने बात करी थी, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये है आपके राइट आंसर, इसमें सारे ऑप्शन इसमें जुड़ गए हैं, क्लियर। ये है जो है, ये जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 में आया था, और मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में, क्लियर। ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए, इट्स चटगांव आर्मरी शस्तागार छापा जो है वो किस पर्सन के अराउंड, किस पर्सन के जो है द्वारा जो है ये हुआ था, ये एक ही पर्सन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चटगांव जो है ये जो एरिया था उस टाइम पे इंडिया वाला एरिया था, और अब ये जो एरिया है इसके अंदर जो है किस पर्सन के द्वारा जो ये सारा काम हुआ था, ये है सी ऑप्शन, सूर्या सेन, सूर्या सेन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये जो हैं आपके किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, HSRA से बिलोंग करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, रिपब्लिकन आर्मी। और ये जो आर्मी है ऑर्गेनाइजेशन है 1928 में खुली थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद प्रेसिडेंट थे, और ये तीनों लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। इसमें जो भगत सिंह ऑप्शन है ना, भगत सिंह के ऊपर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, भगत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन खोली थी हिंदुस्तान नौजवान सभा, हिंदुस्तान नौजवान जवान सभा, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन खोली थी, सारे यंगस्टर्स को इकट्ठा किया था, और ये लाहौर में खुली थी, और जेल में भगत सिंह ने एक बुक लिखी थी, वाई आई एम एथीस्ट, ये बुक लिखी थी, क्यों मैं जो है भगवान को नहीं मानता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। सो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। ये जो छठगांव है मैंने आपको बताया था, ये पहले इंडिया का पार्ट था, अब जो है ये एक फॉरेन का जो है फॉरेन का पार्ट हो चुका है। अब मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, अब ये छठगांव जो है वो कहाँ पे है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, किस एरिया में है, आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्लियर। सो ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट फीमेल गवर्नर, देखिए फर्स्ट फीमेल गवर्नर इनमें से कौन है, इनमें से है जी आपका डी ऑप्शन, सरोजनी नायडू जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सरोजनी नायडू। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और ये जो है ये फर्स्ट फीमेल है INC प्रेसिडेंट, इंडियन फीमेल जो INC की प्रेसिडेंट बनी थी फर्स्ट, और फर्स्ट वैसे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी थी आपको मैंने बता रखा है, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कहां से थी, आयरलैंड से, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ये चीजें। इसमें लिखा हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित वही है जो जवाहरलाल नेहरू जी की सिस्टर है, और ये जो है UN एम्बेसडर थी, पहली UN एम्बेसडर, फर्स्ट फीमेल UN एम्बेसडर, क्लियर। और उसके बाद फातिमा बीबी, ये बताइए मुझे, ये फातिमा बीबी जज हैं, ये बताइए मुझे आप, फातिमा बीबी जो जी वो जज थी, पहली जज थी, फर्स्ट जज किसकी थी, हाई कोर्ट की थी या सुप्रीम कोर्ट की थी, ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप, और अगर हाई कोर्ट की थी तो कौन सी हाई कोर्ट की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी योगदान दीजिए इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो यूनेस्को है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन के साथ इसको मैच करना है। सो पहले मैं फोटोज दिखाता हूँ आपको, आपको पता लगेगा। पहली फोटो जो है आपकी है, ये है केव पेंटिंग्स की, केव पेंटिंग्स जो है ना आपकी, ये अजंता की फोटो है, ठीक है, ये केव पेंटिंग है अजंता की। दूसरी है रॉकट श्राइन्स, ये हैं आपकी रॉकट श्राइन्स, ये कहाँ की फोटो है, एलोरा, एलोरा की फोटोज हैं, क्लियर। थर्ड फोटो है आपकी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये कहां की फोटो है, ये है गोवा की फोटो, क्लियर, पता होना चाहिए। और चौथा है सन टेंपल, चौथी है सन टेंपल, सन टेंपल ये है सन टेंपल कोनार्क, जाने के आपका इसमें हो गया ऑप्शन, देख लीजिए ये क्या बन गए, 3412, 3412 इज द राइट आंसर, क्लियर, ये बन गया जी आपका 3412 इज द
राइट आंसर. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर 3412. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है और इनके साथ इन लोगों को जोड़िए. ठीक है, मैं आपको जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन हैं उनके साथ जोड़ता जाऊंगा. सो पहला है जी आर्य समाज. पहली फोटो देखिए आर्य समाज वाले की है. आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, मैंने आपको बताया था दयानंद सरस्वती जी. ये हैं वेदों की और लोटो वाले पर्सन जिन्होंने बोला था. क्लियर. और दूसरा है, दूसरी फोटो है, ये हैं आपके राजा राम मोहन राय. ये हैं राजा राम मोहन राय जो ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते थे. ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस किया हुआ है ब्रह्मो समाज जाने के आपके राजा राम मोहन राय. थर्ड है वेदा समाज. वेदा समाज के फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन. केशव चंद्र सेन ये हैं, केशव चंद्र सेन. क्लियर. और चौथा है प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज के साथ जो लिंक करते हैं वो है आत्माराम पांडुरंग. सो ये ऑर्गेनाइजेशन है जी आपकी सारी. तो इससे ऑप्शन क्या बन गया जी आपका सेकंड ऑप्शन, जाने के आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती, ब्रह्मो समाज आपके राजा राम मोहन राय, वेदा समाज केशव चंद्र सेन और आपके प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग. सो ये सारे ऑप्शन बन गए जी इसके साथ. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है. विच गवर्नर जनरल अबॉलिश द सती सिस्टम. देखिए सती सिस्टम की फोटो दिखा रखी है आपको. सती इस तरीके से करते थे जब पहले जो होता था कि जब लड़की के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको सती करना पड़ता था, उसको जिंदा जलाना पड़ता था. ठीक है, तो इसमें जो सती सिस्टम को बैन कब किया गया था 1829 में और विलियम बेंटिक द्वारा. विलियम बेंटिक द्वारा. और इसमें जो पर्सन थे जो इन्होंने हेल्प करी थी, इंडियन पर्सन, राजा राम मोहन राय. और ये राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्मो समाज से बिलोंग करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको. सो ये है आपका राइट आंसर. इसमें बन गया जी सी ऑप्शन बन गया राइट आंसर आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक. क्लियर. इसमें लॉर्ड कैनिंग लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन. लॉर्ड कैनिंग वही हैं जब आपकी 1857 का रिवोल्ट हुआ था. क्लियर. और पहले वाइसराय भी यही बने थे. उसके बाद लिखा हुआ है लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन वो पर्सन है जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट दिया था. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक भी बोला जाता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक. क्लियर. लॉर्ड डलहौजी ने पहली जो रेल चलाई थी 1853 में 34 किलोमीटर बॉम्बे टू थाने, ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट टेलीग्राफ सर्विस भी इन्होंने स्टार्ट करी थी. इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में भी इन्होंने खोला था, ये सारी पता होना चाहिए. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्होंने चलाई थी. ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिक. क्लियर, ये ध्यान रखना. और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे आपके, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे आपके. अच्छा चलो एक क्वेश्चन बताइए मुझे आप, मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, देखते हैं कि कौन बताता है. एक है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, या मुझे बताएंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है ये. और एक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एक है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. एक है लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और आप अपनी कॉपी पे भी लिख लेंगे. लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, और डेट्स इट. ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे सारे क्वेश्चन. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे. ऑलरेडी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप सबको ये आंसर पता है. ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ जितने भी आपके GS शो में, जितने भी हमारे टॉप 100 सीरीज में, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के इतने क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ. ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं. मैं देखता हूँ कि कितने जो लोगों के आंसर सही आ रहे हैं. ठीक है, चलो जी आगे क्वेश्चन लिखते हैं हम. सो पहला है 1916 महात्मा गांधी ट्रेवल कहाँ पे किए थे, फॉर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम. जाने के प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी ने कहाँ पे काम किया था. देखिए आपको मैं बता दूं, पहला सत्याग्रह 1917 में था इंडिया में गांधी जी का, चंपारण सत्याग्रह इंडिया में पहला था, जो किसके लिए था जी आपका इंडिगो कल्टीवेशन के लिए. इंडिगो मतलब नील की खेती के लिए. क्लियर. और उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ला जी,
राजकुमार शुक्ला जी जो है इनको बुलाने लेके आए थे यहाँ पे, क्लियर, 1917 में। और डांडी मार्च तो आपको पता ही है यार, डांडी मार्च 1930 में स्टार्ट किया था इन्होंने, क्लियर, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, और इसमें टोटल 79 लोग थे, गांधी जी के कुछ मिला के 78+1, क्लियर। और इन्होंने डांडी मार्च किया था, सॉल्ट सत्याग्रह जिसे आप बोलते हैं, साबरमती इन्होंने आश्रम बसाया था। चोरा चोरी हत्याकांड आपको पता है, ये चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को, जिसके बाद जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया था, असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, दादाबाई नरोजी की जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ये कौन सी बुक में लिखी रखी है। सो ये कौन सी बुक है जी, ये कौन सी बुक है, ओके सॉरी, ये जो क्वेश्चन है मैं अभी एक क्वेश्चन छोड़ गया था, पहला क्वेश्चन है अमार सुनार बांग्ला जो है ये किस नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, किसने कंपोज किया था। इसमें आपको फोटो दिख रही है जी आपका, रविंद्रनाथ टैगोर, क्लियर, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनको स्टार्ट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर इनको गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव किसने बोला था, गुरुदेव बोला था महात्मा गांधी ने, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो है सरोजिनी नायडू हमने डिस्कस कर लिया है इनके बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही पर्सन है जो पहले ICS का एग्जाम क्लियर किया था, और फर्स्ट ICS ऑफिसर जो लगे थे वो थे टैगोर जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, SN टैगोर, क्लियर, ऑलरेडी इतने पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हम इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादाबाई नारोजी जो हैं उन्होंने कौन सी बुक है ड्रेन ऑफ वेल्थ के लिए, कौन सी बुक के अंदर लिखा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब ये होता है कि जो हमारा पैसा है ना वो सारे बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहा है, सारे सैलरियां वहां से, सैलरीज वगैरह वहां जा रही है, खर्चे सारे बाहर जा रहे हैं, ये किसने लिखा था, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ आपके दादाबाई नारोजी जी ने। दादाबाई नारोजी को हम और क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में बताया था, और बुक थी आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जाने कि अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो आपको अंग्रेजों को हटाना पड़ेगा। और दादाबाई नरोजी हैं जिन्होंने पहली बार देश में राष्ट्रीय आय के बारे में बताया था, नेशनल इनकम के बारे में बताया था, और ये वही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है जो यूरोप के अंदर, जाने कि अंग्रेजों के फर्स्ट पर्सन है हमारे इंडिया के जो हाउस ऑफ कॉमन में जो है बैठे थे, हाउस ऑफ कॉमन में इलेक्ट हुए थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी प्लेस से जीते थे दादाबाई नरोजी, ठीक है, कौन सी जगह से जीत के जो है हाउस ऑफ कॉमन में बैठे थे, क्लियर, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अच्छा इससे ना मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कि आप मुझे क्वेश्चन बताइए, एक बुक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ये बुक किसने लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्लियर, आप मुझे बताइए। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट लिखा हुआ है, द सिपोई म्यूटिनी ऑफ 1857 अकर ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ, ये भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया यार हमने, फोर्थ ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग 1857, क्लियर, और उसके बाद जो है इनको वाइसराय की उपाधि मिल गई थी इलाहाबाद के अंदर, क्लियर, और इलाहाबाद में ये सारी चीजें अनाउंस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गुड गवर्नेंस एक्ट कहते हैं जिसको, क्लियर, ऑलरेडी हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। और लॉर्ड डलहौजी तो आपको अभी मैंने बताया था, लॉर्ड लिटन ये वही है जी, रिएक्शनरी वाइसराय, अनपॉपुलर वाइसराय, जो सारी उल्टी खोपड़ी वाला, ठीक है, जिसको कुछ भी बोलेंगे उल्टा ले जाएगा, न्यूज़पेपर एक्ट इन्होंने चलाया था, आर्म्स एक्ट इन्होंने चलाया था, अंग्रेज जो है आर्म्स बंदूकें वगैरह रख सकते हैं लेकिन इंडियंस को रखनी है तो उनको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑलरेडी डिस्कस किया है, हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और इन्होंने सती सिस्टम को खत्म करवाया था राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में, ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। ये जो लिख रहे हैं ना अब्दुल कलाम आजाद, बेकार है, गलत आंसर है ये, इंडिया विंस फ्रीडम, देख के ध्यान से देखिए क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी जो पहले एस्टेब्लिश करी गई थी, तो मैं आपको पहले तो फोटोज दिखाता हूँ सबकी, तो इसमें पहली फोटो देखिए क्या है, ये है BHU, क्लियर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी,
क्लियर। सो अगली फोटो, सॉरी एक ही फोटो थी, एक ही फोटो थी इसके अंदर, तो इसमें ज़्यादा फोटो नहीं थी, बट चलो मैं बता देता हूँ, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सॉरी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जो है आपकी, ये है आपकी सेकंड ऑप्शन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ठीक है। देखिए ये आंसर बन गया 1857, सो सेकंड ऑप्शन क्या बन गया जी, राइट आंसर। उसके बाद लिखा हुआ है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनवाई गई थी 1916 ईस्वी में, क्लियर। उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसमें आप AMU जिसे आप कहते हैं, ये बनी थी 1875 में। उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद वाली जो बनी थी 1887 में बनी थी, क्लियर, ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी बनी थी आपकी, बॉम्बे वाली, क्लियर। और बॉम्बे के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बॉम्बे कलकत्ता मद्रास तीनों इकट्ठी खुली थी 1857 के साथ, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन देखिए गया है, इनमें से जो है हु आर द थ्री, अच्छा इसमें जो है आपको मैं बता दूं थोड़ी सी, अभी मैं एट एंड एंड टाइम पे मैं इसको करेक्ट नहीं कर पाया, इसमें जो है क्वेश्चन है हु अमंग द थ्री फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1857 रिवोल्ट, ठीक है, क्योंकि ये शाम को कटिंग हुई थी और अभी मैं कर नहीं पा रहा था कि इसको कैसे करना है। इसमें तीन ऐसे कौन से बंदे हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो लड़े थे 1857 के रिवोल्ट में, ये जो लोग हैं ये सारे ही लड़े थे, लेकिन प्रोमिनेंट हैं, प्रोमिनेंट पहले तीन थे, ठीक है, पहले तीन प्रोमिनेंट लोग थे ये पता होना चाहिए, कुंवर सिंह जो लड़े थे आपके बिहार से, सॉरी कुंवर सिंह लड़े थे जगदीशपुर बिहार, ठीक है। उसके बाद है तांत्या टोपे इनके साथ ही थे, सॉरी कुंवर सिंह तो जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है तांत्या टोपे ये फर्स्ट पर्सन थे जो 1857 रिवोल्ट में पकड़े गए थे और जिनको फांसी हुई थी। और तांत्या टोपे जो थे उनके साथ थे नाना साहेब जो हैं, इनका नाम क्या था, नाना साहेब का ओरिजिनल नेम क्या था, दोंदुबंत, ठीक है। और नाना साहिब कहाँ से लड़ रहे थे, आपके कानपुर से, ठीक है। और इनकी जो है आपकी पेंशन इनकी ख़त्म कर दी गई थी और नाना साहिब इनके साथ थे, यानी कि तांत्या टोपे नाना साहिब के कमांडर इन चीफ थे, ये आपको पता होना चाहिए। और नेक्स्ट मौलवी अहमदुल्ला, ये भी इनके साथ थे, मैं आपको बता दूँ मौलवी अहमदुल्ला ये भी 1850 के साथ थे, लेकिन रेबिलियन था, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अदरवाइज इसका जो है राइट आंसर क्या बन गया, फर्स्ट टू थ्री, क्लियर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि तांत्या टोपे का ओरिजिनल नेम क्या था, क्लियर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बिरसा मुंडा जो है ऑपरेट किया है कौन से रीजन से जो है बिरसा मुंडा जो ऑपरेट किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देखिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक ही लड़ाई होती थी, हमारी टैक्स और हमारी ज़मीनें, तो ठीक है। बिरसा मुंडा जो पर्सन है ये जो हैं कौन से एरिया से हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी, क्लियर, इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी, तो ये जो है ये पर्सन है जी आपके छोटा नागपुर प्लेटू से, ये लड़े थे रांची झारखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, क्लियर, तो यही ये वाला एरिया है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन है द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एट द सेंटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो पावर्स होती है ना तीनों में डिवाइड होती हैं, सेंटर में, स्टेट में और आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर, क्लियर, जिसमें आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। तो इन्होंने फेडरेशन गवर्नमेंट कहाँ कब बोला था, आपका बोला था थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में,
क्लियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैंने आपको बताया था अभी डीआरकी वर्ड बोला था मैंने, डीआरकी जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था वो 1919 में किया गया था, लेकिन डीआरकी को खत्म कब किया गया था, 1935 में। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके अकॉर्डिंग जो है देश हमारा दोनों जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हो गए थे। क्लियर, 1909 आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपका, जिसमें आपके हिंदू मुसलमान की बात करी गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है गांधी जी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रामराज किसे कहते हैं। रामराज, रामराज का मतलब ये होता है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही खुश हैं। क्लियर, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि जो आपका सॉवरेनिटी है, लोगों की सॉवरेनिटी है, यानी कि स्वाधीनता है, लोगों की स्वाधीनता बनी रहे, और जो है प्योर मॉरल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम चलता जाए, यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या बन गया जी, राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल बेस्ड ऑन द प्योर मॉरल अथॉरिटी। क्लियर, तो अब आप इसमें फोटो में देखिए जी, आप में इसकी लाइन जो है रिकॉर्ड कर लेनी है, क्या लिख रखा है इन्होंने, ठीक है, इसकी लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्लियर, इनकी लाइंस को देखिए अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है रामराज के बारे में। क्लियर, रामराज के बारे में जो है इनके लिए पढ़ लीजिए क्या वर्ड लिख रखा है इन्होंने, ये आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ रामराज का मतलब क्या होता है, ये गांधी जी द्वारा वर्ड जो है बोला गया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु डिक्लेयर एज इज अल्टीमेट एम द वाइपिंग ऑफ एवरी टीयर फ्रॉम द आई, कहने का मतलब हर आंख से आंसू जो है मिटाना है, हमने साफ करना है, ये किसने बोला था, ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन क्या बन गया जी आपका, राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर, और सरदार पटेल जो है, मैं फोर्थ ऑप्शन से लेकर चल रहा हूँ, सरदार पटेल, सरदार पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि इन्होंने हमारे देश को जोड़ा था। क्लियर, और प्लस सरदार पटेल जो है इनको सरदार की उपाधि थी बारदोली सत्याग्रह में मिलती 1928 गुजरात के अंदर, जिसमें गांव की औरतों ने इनको उपाधि दी थी सरदार की। क्लियर, क्रॉप टैक्सेशन के लिए बात हुई थी, और अगर वहां पे ऑप्शन में विमेन नहीं आया तो क्या आएगा, गांधी जी ऑप्शन में आ जाएगा। क्लियर, ये पता होना चाहिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतना पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, गांधी जी के बारे में तो इतना ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफर जो है पावर कंपनी से क्राउन, कंपनी से क्राउन को चली जाएंगी, ये पहली बार अनाउंस किया था किसने, लॉर्ड कैनिंग ने, जब आपके वाइसराय बने थे, और 1 नवंबर 1858 में, जो 1 नवंबर 1858 वाला जो कानून है ना, ये कौन सा कानून है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की ये बात है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। क्लियर, तो ये जो है ये कहाँ पर अनाउंस हुआ था, मैंने आपको अभी बताया भी था, इलाहाबाद में। सो इट मीन्स डी ऑप्शन क्या बन गया जी आपका, राइट आंसर, और सारी पावर्स किसके पास चली गई थी, रानी के पास चली गई थी, क्राउन के पास चली गई थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकटा नहीं है भाई, कैलकटा नहीं है, इलाहाबाद है, ध्यान रखिए, कैलकटा लिखी जा रही हो आप, बहुत जो है चीज़ें आपको जो है गलत क्वेश्चन दे रहे हैं आप। क्लियर, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि इनमें से जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग में लगाना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में। क्लियर, सो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा और साथ साथ के इसके आंसर भी बताता जाऊंगा। सो पहला देखिए जी क्या है, विनोबा भावे, ये पर्सन जो है विनोबा भावे हैं, ठीक है, विनोबा भावे, इन्होंने जो है कौन सी चीज चलाई थी, बुधान मूवमेंट, इन्होंने कौन सी मूवमेंट चलाई थी, बुधान मूवमेंट। क्लियर, बुधान यानी कि फोर्थ ऑप्शन। दूसरे पर्सन देखिए जी क्या है, ये पर्सन है आपकी मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर ने करने क्या चलाया था जी, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, कहाँ पे, नर्मदा रिवर के सरदार सरोवर डैम आपका गुजरात के अंदर। क्लियर, जहाँ पे नज़दीक ही आपकी कौन सी मूर्ति बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है 182 मीटर जो है हाइट वाली मूर्ति बनी है वहाँ पे। थर्ड ऑप्शन देखिए, सुंदरलाल बहुगाना, सुंदरलाल बहुगाना ये चिपको मूवमेंट के साथ रिलेटेड करते हैं,
1973, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था, क्लियर। उत्तराखंड के अंदर इन्होंने बात करी थी सेव ट्रीज, क्लियर, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी किसके साथ बिलोंग करते हैं? संपूर्ण क्रांति। अगर क्रांति लेके आनी है तो संपूर्ण क्रांति, पूरे देश के अंदर क्रांति लेके आओ। तो इसका जो ऑप्शन बन गया आपका क्या बन गया जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि 34312 इज द राइट आंसर, क्लियर। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लाहौर वॉज आ रणजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, जो लाहौर है वो रणजीत सिंह की पॉलिटिकल कैपिटल थी, तो उनकी रिलीजियस कैपिटल क्या थी? ये हैं जी आपके सिख अंपायर के किंग, सिख अंपायर के पहले किंग, जाने के आपके रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, इनकी पॉलिटिकल कैपिटल क्या थी? आपकी लाहौर। इनके रिलीजियस कैपिटल क्या थी? रिलीजियस कैपिटल इनकी क्या थी? अमृतसर, अमृतसर, क्लियर। और इन्होंने गोल्डन टेंपल बनवाया था, पहले क्या था वो नॉर्मल जो है हरिमंदर साहिब था, और हरिमंदर साहिब के अराउंड जितना भी सोना लगा हुआ है वो इन्होंने करवाया था, इसीलिए इनको गोल्डन टेंपल के नाम से जो है जाना जाने लगा था अमृतसर को। ये थी क्या जी आपकी रिलीजियस कैपिटल, किनकी? महाराजा रणजीत सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वॉज डायरेक्टेड किसके अगेंस्ट था? और अहमदाबाद के अंदर मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद के अंदर मिल स्ट्राइक करी गई थी 1918 ईस्वी के अंदर, 1918 ईस्वी के अंदर इसीलिए बात करी गई थी क्योंकि जो है इनकी वर्किंग आवर्स के ऊपर बात आ रही थी। तो इट मीन्स इसका क्या बन जाएगा, आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंडियन मिल, इंडियन मिल ऑनर्स एंड द नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ये बन गया जी आपका राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। सो ये है जी आज के लिए आपके क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो मुझसे कमेंट बॉक्स करके कमेंट लिख सकते हैं, और आप मुझे जो मेल कर सकते हैं क्योंकि मेल मैं जरूर पढ़ता हूँ और इसका रिस्पॉन्स भी मैं देता हूँ, vipan.studyiq@gmail.com। और बाकी आप इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर के साथ मेरे जो जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर साथ जुड़ सकते हैं, और तीनों पे मेरा जो नाम है डॉक्टर विपन गोयल है। और साथ के साथ जितनी भी PDF वगैरह होती है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, आप इनके साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड ध्यान रखना है ये आपको, ये मेरा नाम बड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है, VIPAN है, ठीक है, और काफ़ी लोग जो है IN से ढूंढते हैं, VIPAN है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कल आएंगे, और कल हमारा GS शो है, मिस मत करना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।